हेलो, वेलकम है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की, जेएनएम आरटी कोर्सेज की, और इसमें डी फार्मेसी जो है वो भी इंक्लूडेड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है सो ज्वाइन कर लें, और इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर लें। जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 5/10/2023 से। इस दिन जो काउंसलिंग होगी रैंक फर्स्ट से रैंक 600 तक, और ये आपकी काउंसलिंग जो है 22 तक जो है जारी रहने वाली है, और 22 को होगी 10,201 रैंक तक, और से लेकर 11,032 रैंक तक 22 को होगी। अपने अपने रैंक वाइज अपनी डेट्स देख लें कि आपकी काउंसलिंग कब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि बोपी ऑफिस पहुँचना है 8 बजे, 8:30 बजे, जब वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करनी पड़ेंगी, और 10 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद आपको अपना डोमिसल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इलेक्सर ए में हो, और जिनको कैंडिडेट का क्या हो गया था कि डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे और उनको टाइम दिया गया था बोपी की तरफ से, जिसका पहले नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, जो पीएमएल आया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपके पहले आई थी। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकली पहुंचना पड़ेगा एट दी बोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर। उसी दिन पहुंचना होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। ये नहीं होगी कि रैंक आगे पीछे और आप पहुंच जाओ, अपना रैंक देखकर उसी दिन पहुंचना है आपको। उसके बाद आपको ये एडवाइस दी जाती है कि जो आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे आपने उन कॉलेज में विजिट करना है, उनसे अपनी फीस स्ट्रक्चर को जो है क्लियर करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्लियर करना है। उसके बाद इसमें इनने दी हैं सभी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए, उनका एप्लीकेशन नंबर, नेम, जेंडर, और जो जो आपने कोर्स सिलेक्टेड किए थे वो भी यहाँ पे मेंशन है, और अपनी कैटेगरीज भी चेक कर लें, आरबी है, ओएम है, एससी है, एसटी है, क्या है, और अपने रैंक देख के उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और जो आपका मतलब किस कॉलेज में सीट मैट्रिक्स जो है वो कल शाम को आ जाएगा, और कोई भी डाउट जो कोई भी इशू हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है उसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, और आपका जो सेकंड राउंड जो है वो मे भी ना ही हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कंडक्ट किया गया सो चांसेस तो नहीं लगते हैं, पर फिर भी देखते हैं कि होगा या नहीं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।